नाचन विधायक विनोद कुमार को विधायक निधि के दुरुपयोग करने को लेकर नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए, ये मांग जिला कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष लाल सिंह कौशल ने की है। वहीं कौशल ने सुंदरनगर में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान नाचन से टिकट की दावेदारी तक की। पत्रकारों को संबोधित करते हुए लाल सिंह कौशल ने नाचन विधायक विनोद कुमार पर हमला बोलते हुए कहा कि विधायक निधि के दुरुपयोग करने को लेकर नैतिकता के आधार पर उन्हें इस्तीफा देना चाहिए ताकि लोकतंत्र की गरिमा बच सके। उन्होंने कहा कि भाजपा की केंद्र सरकार ने नेरचौक में मेडिकल कॉलेज को लेकर किए धोखे का जवाब विधानसभा चुनाव में लोग अवश्य देंगे। उन्होंने कहा कि केंद्र में हिमाचल से जीतकर मंत्री बने स्वास्थ्य मंत्री होने के बावजूद मंडी के लोगों के साथ भाजपा ने छल किया है, इसलिए यदि भाजपा को यदि छलिया की संज्ञा दी जाए तो कोई कम नहीं होगा। उन्होंने कहा कि भाजपा मंडी के लोगों से किस मुंह से वोट मांग रही है। उन्होंने कहा कि मंडी जिला से भाजपा का सुफड़ा साफ होगा, इसके लिए कांग्रेस पार्टी ने कमर कस ली है। उन्होंने कहा कि 1990 से उन्होंने कांग्रेस के सिपाही के रूप में कमान संभाल रखी है, इसलिए नाचन से वे टिकट के लिए आवेदन भी कर रहे हैं। मैंने अपना राजनीतिक करियर 1990 से शुरू किया। 1990 में बल विधानसभा क्षेत्र में यूथ कांग्रेस का बतौर प्रधान मैंने वहां लोगों की सेवा की। मैं निरंतर 2002 तक जो है यूथ कांग्रेस का प्रधान रहा। उसके बाद मैं युवा कांग्रेस में जिला में उपाध्यक्ष, जिला का महामंत्री और 2006 से आज तक मैं जिला कांग्रेस कमेटी का उपाध्यक्ष, आजकल मैं सुंदरनगर संक्रा जिला सुंदरनगर का पार्टी का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ। मैंने 2001 में जिला परिषद का चुनाव लड़ा। जिला परिषद के चुनाव में मैंने आदरणीय आदन सिंह ठाकुर जी को मैंने 2244 वोटों से जो है वो चुनाव जीता। उसके बाद मैंने 2005 से 10 तक मैं त्यागी पंचायत का प्रधान रहा। मैं निरंतर 1990 से लेकर आज तक कांग्रेस पार्टी की सेवा में समर्पित हूँ। मैंने पिछले 2012 के चुनाव में मैंने पार्टी टिकट के लिए मांग की थी। 2012 में 6 तारीख को सेंट्रल इलेक्शन कमेटी में दो ही नाम थे, जिसमें आदरणीय टेकचंद डोगरा जी और मेरा नाम सेंट्रल इलेक्शन कमेटी में डिस्कशन हुआ। आदरणीय टेकचंद डोगरा जी को नाचन विधानसभा क्षेत्र से टिकट मिला। वो कुछ वोटों से उन्होंने चुनाव हारा। 10 वर्षों से कांग्रेस पार्टी का जो प्रत्याशी आदरणीय टेकचंद डोगरा जी ने चुनाव हारा। इस बार नाचन चुनाव क्षेत्र के लोग नए चेहरे की तलाश में हैं। नाचन चुनाव क्षेत्र के लोग 10 वर्षों से जो घुटन महसूस कर रहे हैं, नाचन के लोगों की मांग के ऊपर जो है इस बार मैं फिर से अपनी दावेदारी मैं पेश कर रहा हूँ।